आपकी कुकिंग की तरह अजवा है यूनिक। अजवा कुकिंग ऑयल और बनास्पति। अस्सलाम वालेकुम, दी मेमन टीवी HD के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन मोटन। रमज़ान दस्तरखान में आपको वेलकम कहते हैं। आइए नाज़रीन, हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और मैं आपको बताती हूँ आज मैं आपके लिए क्या बना रही हूँ। आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मीठे डी समोसे, जिसके लिए हमें चाहिए मैदा, घी, और इसमें हमने डाला है चीनी, बादाम, पिस्ते, किशमिश, थोड़ा सा इलायची के दाने और थोड़ा सा घी। पहले हम घी के अंदर में इलायची के दानों को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद जो हमारे पास जितने भी नट्स हैं, नट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक डाल सकते हैं, नट्स को थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ नारियल। नारियल डालने के बाद हम इन सब चीज़ों को मिक्स करके, अगर आप चाहते हैं कि कोई फूड कलर ऐड करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, मैंने हल्का सा येलो कलर ऐड किया है। जब ये सारी चीज़ें मिक्स हो जाएंगी, इसके बाद इसमें हम डाल देंगे किशमिश और चीनी। चीनी डालकर बस हमें इसे बहुत नहीं पकाना, चीनी डाल के थोड़ा सा बस मिक्स करके हमें इसको उतार लेना है। तो हमारा इस तरह का ये एक बैड वो तैयार हो जाएगा, फिलिंग तैयार हो जाएगी। अगर आप लोगों को मज़ीद इसमें कुछ और डालना है तो आपके पास घर में अगर कोई मिठाई है तो आप वो मिठाई भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास घर में खोया है तो इसके अंदर आप खोया भी डाल सकते हैं। मैंने सिर्फ इसके अंदर यही स्टफिंग करी है। और मेरी जो दूसरी रेसिपी है वो है ब्रेड स्टिक। ब्रेड स्टिक में मैंने इस चिकन को जो है वो रेशा कर लिया है, नमक, काली मिर्च और चाइनीज़ नमक डालकर। आलू को मैंने मैश कर लिया है बॉईल करके, उसमें नमक और काली मिर्च डाले हैं और ब्रेड के किनारे काट के उसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके बाद इसके अंदर, इस बैटर के अंदर मैंने चीज़ डाला है, चीज़ मिक्स करके इसको इस तरह से लगा लिया है ब्रेड के अंदर में क्यूब्स की शक्ल में, और इसे मैंने ये स्टिक के अंदर डाल दिया। इसको हमें ना फ्राई ना डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई भी नहीं करना, इसे हमें सिर्फ हल्की सी हीट देके हल्का सा सेकना है। तो नाज़रीन, पहले हम चलते हैं अपने ये मीठे जो हैं डी समोसों की तरफ। उसके लिए जो है हमने ये मैदा ले लिया है और ये मैदे को हम बेलेंगे, हल्का सा हम इसको बेलेंगे पूरी की शक्ल में। ये हमने बेल लिया, ये थोड़ा सा पतला है, बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बेलना, देखें आप पतला बेलना है। और मेरे पास ये सांचा है, ये सांचा जो है नीचे रखकर इसको हमें इस तरह से रखते हैं। रखने के बाद हमारे पास इसकी ये स्टफिंग जो है वो आपको भर लेनी है, अच्छे से भर लें। भरने के बाद इस तरफ से हमें इसको इस तरह से फोल्ड करना है और दबा देना है। दबाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा आता है इसे हटाकर, तो देख सकते हैं नाज़रीन, ये हमारे पास हमारे समोसे रेडी हो, इस तरह से ये रेडी हो जाएंगे। सारे हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे, मगर इससे पहले जो है हम यहाँ पर गैस को ऑन करके जो है ऑयल डाल के इसको चूल्हा जला के ऑयल गरम करने रखेंगे। चूल्हा जला लिया है। चलो नाज़रीन, इसमें हमने ऑयल नहीं डालना है, इसमें हम शामिल करेंगे अजवा वनस्पति घी। अजवा वनस्पति घी हम इसमें डालेंगे और हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। घी हमारा गरम हो रहा है तो हम जो है एक और बना लेते हैं। बहुत इजी है, बहुत क्विक रेसिपी है, फटाफट बनने वाली है। Thank you.
फौरन जो है ये इजीली बन जाएगी, कोई मुश्किल नहीं है बनाना। घी हमारा गरम हो रहा है, जैसे ही हमारा घी गरम हो जाएगा जब तक हमारी ये डी समोसे भी रेडी हो जाएंगे, फिर हम इसे फ्राई करेंगे। मैंने इसमें नट्स में बादाम, पिस्ते, काजू, अखरोट, किशमिश ये सब कुछ डाला है। आप अपनी पसंद से और भी कुछ डाल सकते हैं अगर डालना चाहें तो। चलिए जी देखते हैं, हमारा ऑयल शायद घी जो है हमारा गरम हो चुका है। घी हमारा गरम हो चुका है, थोड़ा सा हम फ्लेम को स्लो कर लेंगे, लो कर लेंगे। अब हम इसको डाल देंगे। मज़ीद और हम तैयार कर लेंगे, जब तक वो फ्राई हो रहे हैं। रेडी हो चुके हैं, कलर भी बहुत अच्छा आ गया इसका, और जो है हम दो रेडी और कर लें। ये बहुत जल्दी जल्दी बनने वाली रेसिपीज़ हैं,
अब हमारा जो है रमज़ान का जो है हम आखिरी अशरे की तरफ चल रहे हैं, तो ज़्यादातर हमें अपनी इबादत पे फोकस करना होता है, तो हम थोड़ा खाने पीने को की तरफ फोकस नहीं करते और जल्दी जल्दी झटपट वाली रेसिपी की तरफ जाते हैं। ये नाजरीन हो गई रेडी हमारी मीठे समोसे, दी समोसे। स्लो हम, ये हमारी रेडी हो गई। ये हमारे डी के मीठे समोसे रेडी हो गए हैं। अब हम जो है इसको हटा लेंगे, इस पैन को दूसरा पैन ले लेंगे और उसमें इसको गर्म करके। अच्छा, अब हम चलते हैं अपनी दूसरी रेसिपी की तरफ। ये रेसिपी हमारी रेडी है। दूसरी रेसिपी हमारी है ब्रेड पोटैटो स्टिक। इसकी मैंने आपको वो अज्जा बता दिए थे। इसमें हमें थोड़ा सा घी डालना है, अजवा वनस्पति डालेंगे हम हल्का सा, और इसको हमें बिल्कुल भी डीप फ्राई या शैलो फ्राई नहीं करना है, हल्का हल्का सा हमें इसको सेकना है। देंगे, जब तक ये सेक रहे हैं हम अपनी डिप तैयार कर लेंगे। ये मैंने ले लिया है मायोनीज, इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा पिंच जो है वो नमक, मायोनीज में नमक मौजूद होता है। और ये एज यूजुअल मेरी नैंडो सॉस, जो कि मैं बहुत सारी डिप्स में डालती हूँ। बस इसका कलर हमें थोड़ा सा टैंगी ही रखना है।
यहाँ देखें, इसमें एक बहुत खूबसूरत सा टैंगी कलर आ गया है। ये हमारी डिप बनके रेडी हो गई है। बस हमें इतना हल्का सा उसे सेकना है कि इसकी थोड़ी सी जो अंदर चीज़ की हमने फिलिंग की हुई है वो थोड़ी सी मेल्ट होने लगे। बस अगर आप चाहते हैं चाहें तो आप इसको वैसे भी सेक सकते हैं, फ्राई पैन में ना भी डालें, चूल्हे पर डायरेक्ट सेक सकते हैं, या अगर आपके पास कोई ग्रिल है तो आपको ग्रिल पर रख कर भी सेक सकते हैं। हल्की हल्की सीख जाएगी। अगर आप चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी सेक सकते हैं, मैं आपको एक बता देती हूँ, चूल्हे पर भी। अगर ये मेरे जो चूल्हे हैं उसमें वो लगी हुई है तो ये ब्लैक होने लगेंगे। गार्निश तो आप किसी भी तरीके से, आप जिस तरीके से चाहें गार्निशिंग आप कर सकते हैं। गार्निश करने से जो है आपकी जो डिश है उसकी जो है वैल्यू बढ़ जाती है, क्योंकि वो खूबसूरत लगने लगती है, और जब कोई चीज़ खूबसूरत लगती है तो ज़रूर इंसान उसको ट्राई करता है। चूल्हा बंद कर देंगे। ये डिश हमारी रेडी है और ये हमारे 20 मीठे समोसे रेडी हैं। देख सकते हैं नाज़रीन आप, दोनों चीज़ें हमारी झटपट तैयार हुई हैं, झटपट फटाफट। ये आप लोग अपने इफ्तार में, सहरी में, और वैसे भी बच्चों को स्नैक्स के तौर पर दे सकते हैं। बहुत झटपट बनने वाली रेसिपी है। अच्छा नाज़रीन, अब अपनी होस्ट मैरी मॉडर्न को इजाज़त दीजिए, कल फिर हम किसी और अच्छे रेसिपी के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज़।